आज मैं फटाफट से बनने वाले एक आलू का स्नैक्स बता रही हूँ जो खाने में हेल्दी और एकदम अलग तरीके का है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाइक, अगर पसंद आए मेरा रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा साइज़ का आलू मैंने लिया है, बॉईल करके उसको फाइन एकदम स्मैश कर लिए हैं। उसमें 4 से 5 चम्मच हम टीस्पून डालेंगे मैदा, 4 से 5 चम्मच मैदा डालिए। फिर थोड़ा सा चीनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून चीनी, या तो पीस के डालिए या तो खड़ा भी डाल सकते हैं। अगर महीन दाने की चीनी है तब कोई बात नहीं। फिर 1/2 टीस्पून नमक, चाहे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसको अब हम हल्के हाथों से गूथ लेंगे। हम डो बना लेंगे। फिर हम डो बनाने के लिए पानी नहीं डालेंगे, आलू का ही इससे हम डो बनाएंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। लीजिए हमारा आलू का डो तैयार है। अब इसको छोटा छोटा रोल करेंगे, बॉल्स बनाएंगे। लीजिएगा, एकदम आराम से बन जाता है। प्रेस करेंगे, पेड़ा जैसे प्रेस करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा नहीं तो पकने में टाइम लगेगा। इस तरह से हो गया, देखिए कितना व्हिट रहेगा। अब उसके बाद हम कोई भी ढक्कन, छोटे जितना बड़ा डो लेंगे उसी हिसाब से ढक्कन लीजिएगा। मैंने छोटे हाजमोला का सीसी का ढक्कन लिया है, ऐसे करके बना दिया इस तरह से। ऐसे हम सारे पेड़े बना लेंगे। आप ढक्कन से भी कर सकते हो, किसी डब्बे से भी, छोटे मुंह वाला से ऐसे करिएगा। इस तरह से सारे बना लेंगे हम। ऐसे हमारे सारे पोटैटो के पेड़े। अब हम इधर पैन में एक गरम पानी, एक सॉस पैन में बॉईल करेंगे पानी 1 से 2 गिलास, और उसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। पूरा बॉईल करने लगे तब ये पेड़े को हम, आलू का पेड़े को डालेंगे इसमें। हमारा पानी बॉईल होने लगा, मैं सारे पेड़े डाल दूंगी। जब हमारा पेड़ा बन जाएगा तो सब ऊपर फ्लोट करने लगेगा। ये इसका ये है कि ये पक गया है। ढकेंगे नहीं, ऐसे ही बॉईल करेंगे। जब बॉईल हो जाए, पक जाएगा, तो ये सारे ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे करके। देखिए हमारे आलू का सारा पेड़ा ऊपर आ गया, यानी कि ये पक गया है पूरी तरह से। अब इसको हम पूरा निकाल लेंगे और ठंडे पानी में रखेंगे, चाहे ऐसे ही निकाल लेंगे प्लेट में। ऐसे हम ठंडे पानी में चाहे स्ट्रेनर में रख देंगे निकाल के। अब इधर जिस हिसाब से आपके पेड़ा रहेगा, मेरे 8-9 है, उस हिसाब से 1 टीस्पून सोया सॉस लेंगे। ज़्यादा मत लीजिएगा, मैं फिर थोड़ा सा नमक, गार्लिक, 2 से 3 फाइन चॉप गार्लिक, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, हाफ फाइन चॉप, हाफ प्याज फाइन चॉप, फिर 1/2 टीस्पून खड़ा चीनी या पीस के चीनी रहेगा, धनिया पत्ती और ओरिगैनो दोनों मिक्स करके वो डाल देंगे। से अपना इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आलू का सारा पेड़ा हम डाल देंगे एक एक करके। लीजिए इस तरह से हम सारे पेड़े को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लिखाऊंगा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करेंगे। अच्छा से जब गरम हो जाए, धुआं निकलने लगे, तब इसी तेल को हम इस पेड़े में हम डाल देंगे ऊपर से। एक तरह से छौंका मारना है। लीजिए हमारा फटाफट बनके आलू का स्नैक्स तैयार है, एकदम यूनिक।